नमस्कार, मैं ज्योत्सना ज्योति आपके साथ अपनी एक प्रिय कविता शेयर करना चाहती हूँ, साझा करना चाहती हूँ। कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। कुछ रचनाएं ऐसी होती हैं जो समय की सीमाओं से परे होती हैं। उनके भाव और उनके शब्द किसी भी समय के पाठकों को, श्रोताओं को अपने आप से जोड़ लेते हैं। ऐसी एक कविता आज आपके साथ साझा करना चाहती हूं। ये कविता है राष्ट्रकवि श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी कविता आर्य। इस कविता में एक एक शब्द इतनी खूबसूरती से पिरोया गया है कि समझ में आता है कि ऐसी कला कोई अद्वितीय कवि ही दिखा सकते हैं। भाव अपने आप ही पाठकों को अपने साथ बांध लेते हैं। पूरी कविता नहीं पढ़ूंगी क्योंकि बहुत लंबी है, तो उस कविता के कुछ अंश आज आपके साथ साझा करना चाहती हूं। आर्य। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी? आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ? फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल कहाँ? संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है? उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन? भारतवर्ष है। Who were we? What have we become? And what can we be in the future? Let's examine these issues today. Earth's pride, nature's divine playfield with magnificent Himalayas and pure water of holy Ganga, once at the peak of civilization, the land of saints. Yes, it is India. India, the country we all love. यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं। विद्या कला कौशल्य सबके जो प्रथम आचार्य हैं, संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर जिन उनकी उच्चता के आज भी कुछ हैं खड़े। दिस सेक्रेड लैंड इज रेनाउंड, इट्स इनहेबिटेंट्स आर्यस वर द मास्टर्स ऑफ प्योर नॉलेज, arts and craftsmanship. Although their children, their progeny today is confused, has gone downwards, but symbols and marks of their grandeur are still standing high. वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते ना थे, वे स्वार्थ रत हो मोह की मदिरा कभी पीते ना थे, वे मंदिनी तल में सुकृति के बीज बोते थे सदा, पर दुख देख दयालुता से द्रवित होते थे सदा। Indians were the people who did not live just for themselves. They weren't submerged in their own self, blinded by materialism. With their noble karmas, they planted the seeds of philanthropy in the dull soil. Benevolence would melt their hearts if they saw the pain of others. संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, निश्चेष्ट होकर किस तरह से बैठ सकते थे कभी? फैला यहीं से ज्ञान का आलोक सब संसार में, जागी यहीं थी जग रही जो ज्योति अब संसार में। They were born for benefaction. They worked tirelessly. They lit the light of knowledge and wisdom which glows in the world even today. वे मोह बंधन मुक्त थे, स्वच्छंद थे, स्वाधीन थे, संपूर्ण सुख संयुक्त थे, वे शांति शिखरासीन थे, मन से, वचन से, कर्म से वे प्रभु भजन में लीन थे, विख्यात ब्रह्मानंद नद के वे मनोहर मीन थे। They were free of materialistic attachments. They were free, they were blessed as they were at the peak of peace of mind, words and actions. Absorbed in the glory of Almighty, they were carefree like a splendid fish in the ocean. आशा करती हूँ
की इस सुंदर रचना के शब्दों ने आपको भी उसी तरह मुग्ध किया होगा जैसे कि मुझे हमेशा किया है। आज अपने भारत की हम जो भी बात करें, चाहे उसकी खामियों की या चुनौतियों की, एक बात निश्चित है कि हम सबके मन में अपनी अनूठी संस्कृति की गरिमा का आभास हमेशा बसता है। धन्यवाद।